जनक नंदनी माता सीता जो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भार्या हुई, उन्होंने त्याग तपस्या पवित्रता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है। राजकुमारी महारानी होते हुए भी उन्होंने महलों का सुख त्याग कर अपने पति की सेवा स्वीकार की। पति के साथ 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किया। जंगल के कष्टों को उन्होंने हंसते हंसते सहन किया। नंगे पांव रहकर अन्न जल से मोहभंग कर अपने स्वामी आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा की। प्रस्तुत लेख में आप माता जानकी के अनमोल वचन पढ़ेंगे जो इस तरह है, बिना किसी के हृदय को समझे आप किसी के चरित्र का सही चित्रण नहीं कर सकते। राम याद रहे रावण भी, भुलाई सिर्फ जाती है सीता माँ। शाश्वत शक्ति का आधार माँ जानकी जयंती, नारी की प्रेरणा है माँ सीता, नारी की शक्ति है माँ सीता, नारी की भक्ति है माँ सीता, हर घर हर नारी में है माँ सीता। सीता राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का घर परिवार सुख समृद्धि वैभव से परिपूर्ण रहे। व्याकुलता की पीड़ा को सीता से बेहतर जाने कौन, दंड छीड़ा है मन के भीतर अंधरों पर है धारण को। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया, इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। एक स्त्री तब तक नहीं हारती जब तक दुनिया उसके खिलाफ हो, हारती वह तब है जब उसका जीवन साथी उसके साथ ना होकर दुनिया के साथ हो। जगत के पालनहार दुखियों की तारणहार, संकट हरणी माँ सीता को मेरा बारंबार प्रणाम। पति चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, उसका साथ देना पत्नी का धर्म है। अपने पति के लिए चाहे जीवन त्यागना पड़े तो भी पत्नी को पीछे नहीं हटना चाहिए। महलों का सुख व्यर्थ हो जाता है जब स्वामी महल का भोग ना कर सके। जनक नंदनी माँ जानकी की शिक्षा जिस स्त्री के जीवन में आ जाती है वह स्त्री जीवन धन्य हो जाती है। सभी कार्यों को ईश्वरीय कार्य मानते हुए करते रहें, परमपिता आपके कार्य को सफलता देंगे। भूख प्यास अन्न जल कोई मायने नहीं रखते जब आप श्री राम की सेवा में आते हैं। महाशक्ति सीता जी हैं और नारायण प्रभु राम हैं। पतित पावन पूरी अयोध्या जिनका सुंदर धाम है। जब समय न्याय करता है तब गुनाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जो श्री राम से प्रेम करता है वह मुझे प्रिय है, जो श्री राम का वैर है वह मेरा भी वैरी है। जब श्री राम साथ हैं फिर हमें किस बात की चिंता है।